से लेना देना नहीं है ना। हम ना फॉर्म फॉर्म को जो फायदा होता उससे वो करना करो। तुम्हारे उलमा इकराम से भी मैं आजीजाना गुजारिश करता हूँ, आज का माहौल खराब है, उससे एक मौका दो भाई। इतने साल 70 साल दिए, इस बार भी हम देते, ये वोट जाया होने देते नहीं, मगर बहरहाल ये शर्त है कि हमारे ये कंडीशन है, ये कंडीशन तुम्हारी गवर्नमेंट आई तो फुलफिल करना। अगर वो नहीं करे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर 2028 के अंदर जनता दल को सपोर्ट करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब जमीर अहमद खान का बेलगाम दौरा बहस का मौजू बनता दिखाई दे रहा है। जाहिर है सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस मुजाकरे और तस्करी जारी है। कांग्रेस कायद सतीश जारकिहोली और साबिक सेठ बरादरान के दरमियान अख्तलाफात खुलकर सामने आते हुए देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारकिहोली ने कई मौकों पर अपने बयानात में कभी खुलकर तो कभी इशारतन इन पर तंज करते हुए देखा गया। कांग्रेस कायद और साबिक वजीर जमीर अहमद खान ने बेलगाम शहर के ताज गार्डन में अखिलेतों के इजलास ने भी कई सवालात खड़े किए। यहां पर ऐसे कई होर्डिंग्स भी नजर आए जिसमें फिरोज सेठ राजू सेठ की तस्वीरों को होर्डिंग से हटाया गया था और उसकी जगह पर लक्ष्मी हेबाकर और उनके भाई चनाराज हट्टीवड़ी की तस्वीर चस्पा की गई थी। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से ये तब्दीली नजर आ रही है। तस्वीरों को होर्डिंग से हटाया गया था, जाहिर है इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस के अंदरूनी मामला कुछ ठीक नहीं है। वैसे अगर रियासती सतह पर भी इस तरह की तस्वीरें देखी जाती है, अभी कांग्रेस का हुकूमत बनाने का सफर काफी दूर है, पर शहर के कुछ कारपोरेटों से लेकर कारकुनों तक वजारत में कहीं हिस्सेदारी मिल सकती है या फिर सीएम कांग्रेस का बनता है तो कहीं मुझे भी कुछ मलई वाला ओहदा हासिल हो सकता है क्या, इसी फिराक में कईयों को देखा जा सकता है। अब जब जमीर अहमद खान आए तो इन कारकुनों के चेहरों पर जो कांग्रेस में सरगर्म होकर काम करते हैं और बाज वक्त अगर इस तरह के इजलास होते हैं तो वो पेश पेश नजर आते रहते हैं, इनके चेहरों पर कुछ तो हासिल होने की रौनक भी देखी जा रही थी। खैर, ताज गार्डन के प्रोग्राम में कुछ बातें काबिले गौर रही जिसे समझने की जरूरत है। दरअसल ये इजलास जमीर अहमद खान की आमद और साबिक वजीर आला सिद्धरामैया की सालगिरह की दावत जो दावणगेरे में 3 तारीख को होने वाली है इस जमन में थी। अब जब जमीर अहमद खान के चाहने वाले बेलगाम में भी हैं तो यहाँ भी जाहिर है भीड़ थी और कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन यहाँ साबिक एमएलए फिरोज सेठ और सदर अंजुम आसिफ राजू सेठ को मधु नहीं किया गया था, जबकि एक ही दिन पहले फिरोज सेठ कांग्रेस के एहतजाज में शामिल थे। एक और तब्दीली ये भी देखी गई कि अचानक कांग्रेस के एक और लीडर एबी पाटिल बेलगाम नॉर्थ में एक्टिव हो चुके हैं। इनकी भी सालगिरह धूमधाम से मनाई गई और इस सालगिरह के मौके पर अनकरीब जो आने वाले चुनाव है यहाँ पर भी खुफिया तस्करे मशवरे होने की बात कही जा रही। एक और बात काबिले तवज्जो ये भी रही कि जमीर अहमद खान ने अपने बयान में जनता दल का जिक्र करते हुए कहा कि आपने पिछले 70 सालों से कांग्रेस को वोट किया है और इस बार भी कांग्रेस को करे और कांग्रेस पार्टी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो आप अगली बार जनता दल को वोट करें। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर जमीर अहमद खान ने जनता दल का नाम क्यों लिया, जबकि सभी जानते हैं कि जेडीएस ही तो थी जिसने भाजपा को कर्नाटक में जगह बना कर दी। आखिर इसका नाम क्यों लिया गया, क्या कांग्रेस के अंदर और भी कुछ अलग पक रहा है जो गलती से जमीर अहमद खान की जबान से तो जाहिर नहीं हुआ। रियासत से कांग्रेस को साफ करने का इरादा कांग्रेस वालों का खुद का तो नहीं है, क्योंकि जब जनता दल का नाम पहले ही लिया जा रहा है तो कहीं कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शमूलियत तो इख्तियार करने वाले नहीं है, ऐसे कई सवाल एक साथ तो सामने आ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अक्सर लोग जनता दल से ही तो आए हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 2 बार एमएलए रहे फिरोज सेठ को कांग्रेस से दूर करने की कांग्रेस के ही लीडरों की कोशिश कामयाब कैसे हो सकती है। यकीनन कुछ लोग जब फिरोज सेठ बतौर एमएलए थे तब भी मुखालिफत में थे और वो बारहा अक्सर ऐसे वक्त में बाहर आते रहते हैं, पर क्या इस तरह सियासी मुफाद के चलते मुसलमानों के दरमियान एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश जारी है कहां तक दुरुस्त है। सबसे अहम बात यह है कि क्या भाजपा इख्तदार से नीचे उतर पाएगी, जबकि ईवीएम से लेकर एमएलए को खरीदने की ताकत रखती है, और क्या मालूम कि जिस लीडर के पीछे या सियासी पार्टी के पीछे मुसलमानों का बड़ा तबका उम्मीदों के साथ घूम रहा हो कल वो भी किसी गौड़सेवादी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकेगा, आखिर इसकी कौन गारंटी दे सकता है, क्योंकि अब सियासत किसी विचारधारा का नाम नहीं रहा। हमने पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि साम दाम दंड भेद पूरी ताकत के साथ भाजपा इस्तेमाल करके जो भी मुखालिफ आवाज उठती है उसे दबाने की कोशिश कर रही है और दबा रही है, यहां तक कि अदालत को तक नहीं बख्शा जा रहा। आखिर मुस्लिम माशरे का रोना यह है कि हमारे पास कोई फिरासत नहीं है,
जिस तरह रियासत दर रियासत भाजपा कब्जा कर रही है, अब तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक अपनी सरगर्मियों को अंजाम दे रही है, क्या मुस्लिम उलमा या दीनी सियासी रहनुमाओं को इतनी भी समझ नहीं कि बजाय सियासी पार्टियों के इजलासों में शिरकत करने से बेहतर है जो उम्मत में एक तफरका है उसे कैसे मिटाकर एक दूसरे के करीब लाया जाए, इसमें वक्त लगाया जाए, क्योंकि सियासी पार्टियां और खासकर कांग्रेस आपसे इख्तलाफात का शिकार है। आज फिर डीके शिवकुमार ने कांग्रेस का ही जमीर अहमद खान के खिलाफ फिर से एक बार तंज किया। कहने का मतलब इसमें भी साफ साफ दो तीन गिरोह देखे जा रहे हैं। और क्या यह गिरोहबाजी इस पार्टी को इख्तदार तक पहुंचा सकती है? और उसमें भी मुसलमानों में ही इतने गिरोह बनते जा रहे हैं कि शायद एक तरफा वोटिंग इस बार होगी या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। पहले तो कांग्रेस में और खासकर मुसलमानों में लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस में अब आपको ज्यादातर मुसलमान ही नजर आते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिमों का बड़ा तबका भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है। भले ही कुछ लोगों को यह बात हजम ना होती हो, और अगर नहीं है तो फिर हर जगह पर भाजपा क्यों जीत रही है? खैर, मुसलमानों में सेठ का गिरोह, जारकीहोली का गिरोह, कहीं बड़कर का गिरोह, फिर और आगे चलते हैं तो कारपोरेटरों में इत्तफाक नहीं, इनकी तकसीम अलग है, फिर जमातों का मामला, यंग कमेटियों की सोच, गली मोहल्ले में दो दो जमातें, आखिर इस माशरे का क्या होने वाला है? ऐसा लगता है कि जो अपने आप को सियासी लीडर समझते हैं, इनकी जिंदगी का मकसद ही कांग्रेस को जिताना है, बस इसके लिए ही हमें दुनिया में भेजा गया। कहने का मतलब सियासी तौर पर मुसलमान खत्म हो चुका है, उसका वकार, उसका मर्तबा, रुतबा सब खत्म हुआ है। जरूरत है मुसलमानों को कलमे तैयबा की बुनियाद पर एक होना है। यकीनन सियासत जरूरी है, लेकिन ये वाली सियासत नहीं। कुछ लोग इसे शहादत और ना जाने क्या क्या इसका मतलब निकालते रहते हैं। जुदाओ दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अल्लामा इकबाल ने अशार मौजूदा सियासी पर समंजर में नहीं कहा था। सभी जानते हैं कि मौजूदा सियासत कैसी है और कैसे हुकूमत बनती है। यहाँ महज वोट ही खरीदे नहीं जाते बल्कि बेचे भी जाते हैं, बल्कि पूरी हुकूमतों को ही खरीदा और बेचा जाता है। महाराष्ट्र कर्नाटक बेहतरीन मिसाल के तौर पर कह सकते हैं। लिहाजा यहाँ दीनी रहनुमाओं को अपनी शिरकत करने से गुरेज करना चाहिए। 2024 मुसलमानों के लिए इम्तिहान है। आप सिर्फ 2023 के चुनाव देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दुश्मन इस्लाम यहाँ पर कोशिशें और साजिशें के जाल बुन रहा है, हमको 2024 तक मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान का बनी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिखरा हुआ कोई माशरा है तो वो मुसलमान कहा जाए तो गलत ना होगा। सियासी और दीनी तौर पर देखा जाए तो किस तरह जर्रा जर्रा बनकर बिखरते हुए जा रहे हैं और बिखरे हुए हैं। अपने जाति मुफाद के लिए हमने अपने लीडर, अपने रहनुमा, अपनी पार्टियां अलग अलग बना लिए। दीनी तौर पर हमने अपनी किताबें, अपने मौलाना, अपनी जमातें, मसलक, यहाँ तक मोहल्लों को, घरों तक, फिरकों की बुनियाद पर हमने अलग कर दिया है। बेलगाम शहर का ही ज्यादा लेकर देखो, एक तरफ आपको करीमदाद खान मस्जिद यानी कि कोतवाल गली है तो दूसरी तरफ बाशेबान यानी भेंडी बाजार, फिर मस्जिदें, मसलक, कुछ तो मस्जिदों के बाहर तख्तियां लगाई गई है कि फला मसलक का कोई भी मस्जिद में दाखिल ना हो। कुछ हद तक ये तशद्दुद कम जरूर हुआ है, लेकिन जो जिस मसलक का कट्टर समर्थक है आज भी इनमें दूसरे मसलक को लेकर नफरत पाई जाती है। कभी दीन की बुनियाद पर एक नहीं होंगे, लेकिन जब गैरों को लीडर अपना बनाएंगे तो दोनों भी परचम थामे जिंदाबाद करते दिखाई दे रहे हैं, और फिर इस्लाम दीन आशिक रसूल होने की बड़ी बड़ी बातें करते रहते। कलमा को मुसलमान को तो बिला खौफ बिला झिझक काफिर कहने से जरा भी अल्लाह रसूल का डर नहीं लगता, लेकिन जो असल में काफिर है, जो दुश्मन इस्लाम है, इसको कुछ कहना है तो हिम्मत नहीं होती। बीच में कुछ हद तक नफरत का तूफान थमा हुआ था, पर अब फिर से सोशल मीडिया पर कुछ आपस में इख्तलाफात फैलाने के गिरोह सरगर्म हो चुके। आखिर में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सियासत में फिलहाल मुसलमानों को बाहर करने की भाजपा की कोशिश बहुत हद तक कामयाब जरूर हुई है। बिला वजह यहाँ वहां घूमकर अपनी कुव्वत को जाया करने से उम्मत में जोड़ पैदा करने की कोशिश करें। कम से कम आने वाले 2-3 साल इस पर तवज्जो जरूर करें। अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा में बिखरे हुए मुसलमानों को कहा, मनफहत एक है, इस कौम का नुकसान भी है, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी है। जैसे हमने ऊपर तस्करा किया है, आज कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस भवन में मीटिंग तलब फरमाई गई, जिसमें सिद्धरामैया की सालगिरह का इजलास और भारत की आजादी के 75 साल मनाने पर तबादले ख्याल किया गया। इस वक्त कांग्रेस के तकरीबन कायदों ने शिरकत फरमाई थी। देश के 75 वर्ष आयु स्वतंत्र सिखो स्वतंत्र सिखाद RSS कचेरी मेले भारत बावट हार बट प्रतियोंदरल्लू कूड नावु अदन्न राजकीयवागि नोडलिक्के बरोदिल्ल 75 वर्षद स्वातंत्र्यद ई महोत्सवन्न अवरु इष्टोंदु इदरिंद माड्ता इद्दारे अंतंद्रे नानु अदन्न राजकीयदिंद नोडोदिल्ल राजकीयेतरिंद अदन्न नोडलिक्के बयसुत्तेने।
आलमट्टी डैम के करीब हिंदू नौजवान को बुरका पहनकर घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। बीजापुर आलमट्टी डैम के नजदीक एक नौजवान जिसका नाम किशोर मल्लिकार्जुन स्वामी है, इसे बुरका पहनकर घूमते हुए पकड़ा गया। आखिर इसकी क्या वजह थी और क्या मकसद से यह आया हुआ था, इसकी तहकीक की जा रही है। इत्तला के मुताबिक हसन सकलेशपुर का बताया जा रहा है। अब इस पर कई तस्करे किए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि घर में शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, पर इसमें औरतों की तरह तब्दीलियां भी देखी जा रही थी, लिहाजा इसने घर से भाग अलमट्टी पहुंच गया था। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या मल्लिकार्जुन स्वामी किसी दहशतगर्द तंजीम से तो नहीं है और इसे बुरका पहनने की क्या जरूरत थी, आखिर इसकी क्या साजिश थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है, लिहाजा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर अपने कब्जे में रखा हुआ। अभी बेलगाम में 2028 में जेडीएस को वोट देने के बारे में जमीर अहमद खान ने बयान किया था, लिहाजा आज एक और मामले को लेकर पार्टी की जानिब से जमीर अहमद खान को वार्निंग नोटिस दी गई। जमीर अहमद खान ने मुसलमानों के साथ वक्कलिगा के बारे में भी अपने बयान में कहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि वक्कलिगा की वजह से सियासत में आया हूं। और आगे उन्होंने 2005 का तस्करा करते हुए कहा कि 2005 में देवेगौड़ा की वजह से मैं चुनाव जीत गया था, लिहाजा गैर जरूरी बयानबाजी से बाज आने की हिदायत पार्टी की जानिब से दी गई है। बेलगाम में दिए बयान और फिर जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के हक में बयानबाजी, कुछ तो शक होने की बात कही जा रही है। क्या कांग्रेस को खुद ही कांग्रेस के लोग खत्म करने वाले हैं, ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है। लिहाजा बयानात बिलावजह तो नहीं दिए जा रहे, इतना तो जरूर है। आज एचडीपीआई की जानिब से गांधीनगर में बिठाए गए वाटर प्यूरिफाई के बारे में सवाल उठाए गए, लिहाजा वाटर प्यूरिफायर बिठाया तो गया पर अब तक इसमें एक बूंद पानी भी नहीं पाया जाता, लिहाजा आखिर इसके पीछे क्या मकसद है, जब इसका फायदा आवाम को नहीं हो रहा तो अब तक इसे क्यों बंद रखा गया, लिहाजा इसकी तहकीक जरूरी है और तहकीक की जाए, ऐसी मांग एसडीपीआई की जानिब से की गई। आज हुकूमत की जानिब से एसी टेक्नीशियंस का तरबियती कैंप मुकम्मल हुआ, तमाम एसी टेक्नीशियंस को आज सर्टिफिकेट देकर इनकी हौसला अफजाई फरमाई गई। इजलास पे रिसोर्ट में रखा गया था। एसी टेक्नीशियंस के तरबियती कैंप को कामयाब बनाने में रफी अहमद, सीजे मैथ्यू, विल्सन डेनियल, शांता कुमार, इजाज कोतवाल, रियाज मुजावर, शकील मुजावर, रसूल रंगरेज ने अहम किरदार निभाया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। So, this is a very dinner is to be. हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हमको सब मालूम है कि इस नाम का सीधे के लिए हमको किस तरह से उसके लिए हम इतना हमारे लिए इस्तेमाल है कि जैसे कि हमको सिखाया था सबसे पहले हम ऐसा ही इसका Thank you.